शिवाजी महाराज के जीवन के अंतिम दिन विपत्ति और असफल संघर्ष के दिन थे। उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे गिरने लगा था। लड़ाइयों में अब उन्हें वैसी रुचि नहीं थी और न वैसी सफलता ही मिलती थी। जिन दिनों वे कर्नाटक में थे, उनकी सेना ने गोवा और पुर्तगाली प्रदेशों पर आक्रमण किया, किंतु सब व्यर्थ। कर्नाटक से लौटते समय बेलगांव के निकट बेलबाड़ी में सावित्रीबाई नामक पटेलियन ने शिवाजी का डटकर सामना किया था। इस कायस्थ विधवा ने 27 दिनों तक बेलगांव के किले की रक्षा की। मराठी सेना इस वीरांगना को भी सफलता से गिरफ्तार न कर सकी। एक दिन वह किसी कार्यवश किले से बाहर आई तो साखूजी गायकवाड़ ने उसे पकड़ा और बेइज्जत किया। महिला शिवाजी महाराज के सामने पेश की गई। वह भभक रही थी, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वह कड़कती हुई बोली, क्यों राजा, तुम्हारे राज्य में यही न्याय है कि निहत्थी महिला पर आक्रमण कर उसे बेइज्जत किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, शांत भाव से शिवाजी महाराज बोले। पासी गायकवाड़ भी खड़ा था। महिला जाल में फंसी सिंघनी की भांति उसे घूरते हुए बोली, फिर इस नीच पापी के लिए तुम्हारे यहाँ कोई सजा नहीं है? माना कि मेरी और तुम्हारी शत्रुता है, किंतु शत्रु से व्यवहार करना तुम्हारी सेना नहीं जानती। वह अपने प्रति हुए अत्याचार को लज्जा के कारण कह भी न सकी, किंतु उसके क्रोधावेश और कहने के ढंग से शिवाजी ने सब कुछ समझ लिया। वह कहती गई, यदि तुम्हारे यहाँ न्याय है तो एक तलवार मुझे भी दो, तब देखूं इस नीच गायकवाड़ का पराक्रम। एक नारी की ऐसी गर्जना सुनते ही सब शांत हो गए। गायकवाड़ कांपने लगा। उसे विश्वास था कि उसके पापों का भंडाफोड़ छत्रपति के सामने नहीं हो पाएगा, किंतु इस स्थिति में वो धैर्य खो बैठा। अत्यंत भरे गले से शिवाजी ने कहा, बहन, मेरा सिर अपने पापों के कारण लज्जा से झुक गया है। तुम्हारे साथ जिसने ऐसा व्यवहार किया वह सचमुच नीच है। तुम्हारी बहादुरी का मैं कायल हूँ, इतना ही याद रखो। जो शिवाजी हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब से नहीं हारा, वह एक साधारण महिला से हार मानता है। उन्होंने अपने कर्मचारियों से गायकवाड़ की ओर संकेत कर पुनः कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसकी दोनों आँखें निकाल कर इसे जिंदा छोड़ दो, यह जीवन भर दर दर की ठोकरें खाकर अपने पापों का प्रायश्चित करे। गायकवाड़ हाथ जोड़कर कुछ निवेदन करना चाहता था, किंतु शिवाजी उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहते थे। वे उठकर चले गए। कहते हैं ना, विपत्ति और दुल्हन कभी अकेले नहीं आती। कुछ ऐसे ही शिवाजी महाराज के साथ भी हुआ। इस घटना के बाद उन्हें दो बड़ी असफलताएं और मिली। बीजापुर का किला लेने का प्रयास असफल रहा। अंत में शिवनेरी के दुर्ग पर उन्होंने आक्रमण किया। कितना प्रिय था उन्हें यह किला। यहीं शिवाजी महाराज पैदा हुए थे। बचपन की कुछ सुखद स्मृतियाँ इस किले में जैसे उन्हें रह रह कर पुकार रही थी, किंतु इस किले को भी अधिकार में न ले सके। दोस्तों, शिवाजी महाराज की यह वो घटना है जिसका वर्णन हमें बहुत कम जगहों पर मिलता है। आप शिवाजी महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।